तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कार्मी टेक्निकल ज्ञान में। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं RBL का क्रेडिट कार्ड, जिसको अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, टेम्पररी स्विच ऑफ या टेम्पररी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर, और वहाँ से एक एप्लीकेशन है दोस्तों, RBL कार्ड्स, RBL माय कार्ड्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। तो ये आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर। अब मैं चले जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये ओपन कर रहे हैं तो एक एम पिन जनरेट करने को बोलेगा दोस्तों, और एम पिन आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसके बाद आप उसे एम पिन जनरेट कर सकते हो। उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपका मोबाइल नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर मांगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एम पिन जनरेट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने एम पिन जनरेट कर लिया है तो आप एप्लीकेशन में आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जो 6 डिजिट का एम पिन है वो एंटर करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना वाला। और ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। ऊपर अपना कार्ड दिखेगा, लास्ट के 4 डिजिट आपके कार्ड्स के, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और कुछ इस तरीके का लास्ट स्टेटमेंट आपको दिखेगा। और ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्विच ऑफ या टेम्पररी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने कार्ड को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा, देखिए नीचे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा माय अकाउंट, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड, आपका क्रेडिट लिमिट, कैश लिमिट सारा दिख रहा होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, और सेटिंग्स पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, चेंज कार्ड पिन स्टेटमेंट, और लास्ट में जो ऑप्शन है टच आईडी की ऊपर की साइड स्विच ऑफ योर कार्ड, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर ये बाय मिस्टेक आप हो गया है या आप इसे स्विच ऑफ करना चाहते हैं। तो अगर आप जैसे ही यस आई एम श्योर पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका कार्ड टेम्पररी डीएक्टिवेट हो गया है, और आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो अभी हम कर देते हैं नो आई डिड बाय मिस्टेक। और अगर आपने ऑफ कर लिया है और ऑन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से एक बैक चले जाते हैं, जो सेटिंग्स का ऑप्शन है यहाँ पे, जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपने कार्ड ऑफ किया है तो यहाँ पे ऑन का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ऑन पे क्लिक करेंगे फिर से आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो होप दोस्तों ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।